ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजा महाभागवत स्वरूप। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 18 18 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, परम पदम वैष्णवमामन्ति तत् जन्ने तिने तु तदुदत्सृक्षव विसृज्य दोरात्ममनन्य सोहृदारिदोपगुरिहार्ह पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतवे वो शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक रखता है जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनके प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता में मद्धाम परमम मम, मेरा धाम का कई बार उल्लेख आया है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम, इसमें स्थित लोक वैकुंठ या भगवान के धाम का। उस व्योम में जो भौतिक व्योम से तथा इस सात आवरणों से बहुत ही दूरी पर है, हाँ न तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है नहीं प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये लोग स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक चमकीले हैं। सारे भगवत भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना विश्वस्त मित्र एवं सुहृद मानते हैं। वो ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते, केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोक स्पष्ट दिखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और न ब्रह्म क्या है माया क्या है इसकी व्याख्या में समय को। वे न तो अपने को भगवान के साथ जूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो भौतिक शरीर धारण कर, नहीं हुए किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते। निर्विशेषवादी या भक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग है जो अपने को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने अंतकरण में मोक्ष की भावना छिपाए रखकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकर होना चाहते हुए खुले विलास द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को मार्गच्युत करते हैं जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यसनी होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये सारे अभक्त तथा वैसे महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा योगियों की सूची में विलग कर दिए गए। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के
शरीर पर आधारित रहती है और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतः वे प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है, अतः वे उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्मों में अंतर करने में नहीं गंवाता, क्योंकि वह भलीभांति जानता रहता है कि भगवान परब्रह्म अपने ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गुंथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वो इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद उसकी धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप भैतिक। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करना चाह रहे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक होता है निर्विशेषवादी, एक होता है सविशेषवादी। सविशेषवादी अर्थात जो भगवान के द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को चाहते हैं, और एक प्रकार के व्यक्ति है जो खोज में लगे हुए, भगवान क्या है, भगवान कितना बड़ा होते हैं, उनका आकार कितना है, वो तो ब्रह्मांड को भी नापते, लाइक दैट इस प्रकार वो अपना मेंटल स्पेकुलेशन यूज करते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ पूर्ण एक रखता है, कोई जटिलता कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता कि कौन आया पहले, अंडा आया या मुर्गी आए, पहले भगवान आया या संसार आया, संसार नहीं रहता तो भगवान कैसे आया, और भगवान आया तो भगवान 3.5 फुट का या 5.5 फुट का या 10 फुट का इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे आया। इस प्रकार जो तर्क वितर्क जो होते हैं ना, भक्तगण इसमें रुचि नहीं लेता, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम रहता और कृष्ण के प्रति प्रेम ही उनको भगवत धाम प्राप्त कराता है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। एक्चुअली जो व्यक्ति पागल हो जाता है ना, तो उनका कोई अपना ठिकाना भी नहीं रहता कि मैं कहाँ से आया हूं, मेरा माता पिता कौन है, उनका किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो पागल है, पागल होने के कारण। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो बुद्धिमान होते हैं, उनको पागलपन की तरह ये नहीं रहता कि चलो खाओ पियो रहो सो घुमाओ और इस प्रकार अपने जीवन को कुत्ता बिल्ली की तरह गंवाना, ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता। वो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर, उनका जो जीवन का जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसके ऊपर काम करते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति अर्जन करना है, भगवान की लीला कथा को श्रवण करना है, महात्माओं की कथा सुनना है, भगवान के जितने सारे महान महान भक्त है उनकी जो वाणी है, वो जो अपना अनुभव छोड़े हैं उनको श्रवण करने को मन करता है, तो उसमें वो लगा रहता एक भक्त। और एक प्रकार के जो भक्त है वो लगे हुए है भगवान कहाँ से आए, अगर भगवान ने हम लोग को सृष्टि किया तो भगवान को किसने सृष्टि किया, इस प्रकार को तर्क वितर्क में लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जन्म लगता है तब वो भगवान की अनुभूति कर सकता है। इत्थं मुनिनस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दिग्विजय सुरंधिताशय स्वपार्श्वेन पीडय गुदम ततोलिनम स्थानेषु षट शून्य जजुति कलम। अर्थात कि वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए, और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। जब तक हम लोग को दिव्य ज्ञान अर्थात कृष्ण तत्व ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम लोग इस संसार की जो रुचि है मेटेरियल एंजॉयमेंट करने की, वो रुचि खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग को लगता है ये शरीर ही हम है, यही सब कुछ है,
इनकी इच्छा पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और इस प्रकार वो मतलब जुटे हुए रहते हैं और अपने जीवन को गंवाते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं, भक्तगण बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और उस अनुसार वो अपने जीवन को संचालन करते हैं, ताकि मुझे खाना भी खाना है, रहना भी है घर में, भगवान की भक्ति भी करना है, दूसरों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाना है। ठीक है, तो मनुष्य को वायु द्वारा अर्थात गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा तो प्राण वायु को एक एक करके कर्मश छह प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत कठिन है इससे मृत्यु वरण करना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे अनेक दुरात्मा है जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है। मिथ्या अहंकार का अर्थ जो कुत्ता है, कुत्ता शरीर में वो कुत्ते की जैसे आचरण करेंगे, जो सियाल है वो सियाल की जैसा, जो हाथी है हाथी की तरह, और जो मनुष्य है वो मनुष्य की तरह आचरण करेंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कृष्ण भक्त, कृष्ण जैसे आचरण करता वो भी वैसे आचरण करते, सब कुछ शास्त्र के अनुसार। तो ये जो जीव मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है और उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा पांच तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, इसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है, और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उस परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न कर, जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सके। ये हम लोग जितना कुछ प्रयास करते हैं ना लाइफ में, अगर कृष्ण रिकमेंड नहीं करता तो किसी भी काम में हम लोग सफल नहीं हो सकते। इस संसार में जितना कुछ सफलता है या लोग सफल हो पाते हैं उसके पीछे कृष्ण का हाथ, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। अगर वो रूठ जाए ना तो कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सकता, नोबडी, चाहे वो कितना ही बलवान क्यों नहीं। इसीलिए हम लोग को हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में कुछ अगर अच्छा चीज मिल रहा है जीवन में, तो एक ही चीज ध्यान रखना है, वो कृष्ण के हेतु की कृपा। और जीवन में अगर दुख मिल रहा है तो वो भी कृष्ण की कृपा है, क्योंकि पाप का फल हम लोग को मिल रहा है थोड़े मात्रा में, क्योंकि अगर अभी इसको नहीं सो देंगे तो अगला जीवन लेना पड़ेगा कुत्ता बिल्ली के रूप में शोध करने के लिए। तो बेटर है थोड़ा सा दुख कष्ट मिल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा और हम लोग भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हम लोग को डेडिकेट होना है कि कृष्ण जो भी करेंगे मेरे लिए परम मंगल करेंगे। तो ऐसी मनोवृत्ति ही व्यक्ति को भक्ति पथ में अग्रसर करती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान ये जो मेटेरियल जो साइंस साइंस का जो जमाना है जो हम लोग जी रहे हैं साइंटिफिक दुनिया में, जो क्षण भर से कम समय मतलब जितना कुछ हुआ है, अगर एक प्रलय थोड़ा सा खंड प्रस्थ क्या बोलते हैं, आंशिक प्रलय पूर्ण प्रलय कोई भी थोड़ा सा हिल जाए ना पृथ्वी, तो पूरा एकदम गिर जाएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग एवरीथिंग सब उलट पलट हो जाएंगे। तो जितना कुछ प्रयास सब बैठते चले जाएंगे कृष्ण की एक इच्छा। इसीलिए व्यक्ति को हर स्थिति में कृष्ण
कृपा के ऊपर डिपेंड रहना है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, हमें भक्ति करने का सर्व सौभाग्य प्रदान करें, आपके शुद्ध भक्त बनने का हमें पूरा पूरा चांस सुअवसर प्रदान करें। तो सुरक्षित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है, और वो स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का ही अंश है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वो भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता। जितना हम लोग को ज्ञान होता है भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, उतना ही हम लोग जुट जाते हैं। किस चीज के लिए जुट जाते हैं? भक्ति में जुट जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भक्ति में जीवन अपनाने को मन करता है। तो सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करने का अभ्यास कर लेता है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से दबाना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों से घुमाना चाहिए। स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौं तथा ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक है, और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता सिद्धि के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास योगी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतर ही अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 2 श्लोक के ऊपर चर्चा किए और 1 श्लोक हम लोग पाठ करते हैं, 20 नंबर, और आज की कथा को विराम देंगे। कि नाभ्यां स्थितम् हृदभिरोपतस्माद्दुदान गतो रसितं नयन्मुनि ततोन्न संधाय धिया मनशीशतालुमूलं सनकेरनेयत। ध्यानमग्न भक्तों को चाहिए कि प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थान को ढूंढ निकालना चाहिए। वायु की गति के 6 चक्र हैं। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोजे। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह है स्वाधिष्ठान चक्र, यह प्राणवायु का शक्ति आगार है, और उसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालुमूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। तो इस प्रकार आज हम लोग यहीं पर विराम देंगे, समय हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, गौर प्रमानंद।